रायबरेली से खबर है जहां महाराजगंज क्षेत्र में स्थित नवोदय विद्यालय जंग का अखाड़ा बन गया। बता दें आपको कि जरा सी बात पर सीनियर छात्र उग्र हो गए, जिन्होंने जूनियर छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कक्षा 10 के छात्र का मोबाइल चोरी होने पर कक्षा 11 से 12 के छात्रों से जब ये जानकारी ली गई तो सीनियर छात्र इस छोटी सी बात पर उग्र हो गए। गुरुवार की देर शाम सीनियर छात्रों ने कक्षा 10 के छात्र को बुलाया और फिर उसकी पिटाई कर दी। विद्यालय प्रबंधन की सूचना पर पहुंचे अभिभावक घायल बच्चों का निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि बच्चों की पिटाई से विद्यालय प्रबंधन अनजान बन रहा है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के 52 बुजुर्ग बल्ला स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का ये मामला है जहां पर सीनियर छात्र छोटी सी बात पर उग्र हो गए। उन्होंने जूनियर छात्र की पिटाई कर दी जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सर, घटना कल रात में मुझे पता चला कि एक बच्चे का मोबाइल उसने चार्जिंग में लगाया था, हाउस में 10वीं का बच्चा था जी, उसका नाम अनमोल भारती जी, उसका मोबाइल चोरी हो गया या गायब हो गया, जो भी हुआ। तो बच्चे ने अपने हाउस के 11th के बच्चों से पूछा जी, फिर वो दूसरे हाउस के बच्चों को ले आया कि चलो सबका बॉक्स चेक होगा। तो बॉक्स चेकिंग में ही जो भी बच्चों की आपस में गाली गलौज हुआ या जो भी आपस में दोषारोपण हुआ, इसी से लड़ाई बढ़ी। और जैसे ही पता चला सर, सारे हमारे हाउस मास्टर और सारे लोग गए और लड़ाई को शांत कर दिया जी। ठीक है, फिर कुछ बच्चे जो थे वो बोले कि हमें मारा गया है, उनके गार्जियन भी आ गए, बोले हम अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है ले जाइए, अभी हमारे सर आ जाते हैं। तो हम लोग जी, मैं नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय बल्ला रायबरेली आया हुआ हूँ। मेरा बेटा यहाँ 10th का स्टूडेंट, और उसको कल 11th और 12th वालों ने मिलके पूरी 10th क्लास को बहुत मारा है। और इस तरीके से नहीं मारा, इस तरीके से मारा है कि एक दो लड़के एडमिट हैं और तीन चार लड़के बेहोश हो गए थे जिनको पानी डाल के उठाया गया। और हम भी आए यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए, तो सुबह से कोई टीचर भी नहीं सुनने को तैयार। प्रिंसिपल मैम अभी तक हमारा एप्लीकेशन नहीं लेते उनको, मतलब कोई लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है और मैम को इतना टाइम नहीं है कि वो हमसे एप्लीकेशन ले ले और हमसे सुन तो ले हमारी। उनको क्लास की लेट हुई, तो क्लास के ज़्यादातर बच्चे बाहर घूम रहे थे क्योंकि वो खुद डरे हुए थे कि 11th 12th वाले फिर ना मारे। ठीक है, अभी जब हमने 100 नंबर डायल किया है, पुलिस आई है, तब उन्होंने हमारा एप्लीकेशन लिया, तब वो हमारी बात सुन रही है अभी भी। लेकिन वो बायस कर रही हैं हमें, मतलब जबरदस्ती वो बायस वो कर रहे हैं कि हाँ सब 10th वालों पे छोपना चाह रहे हैं, कोई उनकी गलती नहीं मान। मिर्जापुर भदोही जनपद के ज्ञानपुर सीट से पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मिर्जापुर कोर्ट में पेशी हुई है। बता दें कि विध्यांचल के एक पंडा से रंगदारी के मामले में ये पेशी हुई है। एसीजेएम फर्स्ट कोर्ट में बाहुबली विजय मिश्रा पेश हुए, तो वहीं पूर्व विधायक का बड़ा बयान सामने आया। वो बयान क्या है वो आपको सुनाएंगे। चुनाव बलिया से हार गए, चुनाव जबरदस्ती जुटाया, जिससे वो नाराज होकर के और कुछ जो अपराधियों को भदोही में जो सजा हो गई है आजीवन कारागार, वो मुख्यमंत्री जो उस कारण से बराबर नाराज होकर के परिवार के उत्पीड़न के लेकर आतंकवादी तक कार्रवाई कर रहा, जो कल AK-47 बरामद की गई है, 3 AK-47 हमारे मारने के लिए 6-7 पिस्तौले, 1 दर्जन मैगजीने, कई ग्रेनेड, जो हमको कारागार बनारस में माननीय सुशीलजीत सिंह ने ही बताया कि आपकी हत्या के लिए जो लाई गई थी, जो धनापुर के सूरज और कृष्णमोहन जो प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं हमारी उल्टा लिखा रहे हैं, और मनोज मिश्रा धनापुर धनपुर। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।